हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाइक इंश्योरेंस के बारे में, यानी कि फ्रेश इंश्योरेंस हमें बाइक का कैसे करना है। फ्रेश से मेरा मतलब है कि आपने आपका इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया हो चुका है और आप नए सिरे से उसको कराना चाहते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे और मैं आपको बहुत ही ईजी स्टेप्स में बताऊँगा कि आपको किस तरीके से घर बैठे अपने ही मोबाइल से 2 मिनट में सिर्फ बाइक का इंश्योरेंस कैसे ले लेना है। तो दोस्तों, होप करता हूँ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साथ में अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, साथ ही बेल आइकन दबा देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर आपको अलग से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, यानी कि हम कमेंट्स में बात नहीं कर पाए आपसे, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी आपको हमारी आपको स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों, ऐसे ही वीडियो में चलकर आती रहती हैं, तो हर तरह की वीडियोज आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी, तो उसके लिए एक बार चैनल को चेकआउट करना, साथ ही सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पे और देखते हैं किस तरीके से हमें अपना इंश्योरेंस करना है। Google.com पे उस पर आकर आपको सर्च करना है पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार सर्च करने के बाद आपको सबसे ऊपर ही मिल जाएगा पॉलिसी बाजार की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक, आपको वहां टैप कर देना है। टैप करने के बाद आपके पास कंडीशंस रहती हैं, आपको कार इंश्योरेंस करना है या बाइक इंश्योरेंस। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ बाइक इंश्योरेंस के, एक हम रिन्यू कैसे पॉलिसी करते हैं उसके बारे में भी हम वीडियो बना चुके हैं। अगर आपको देखना है कि हम रिन्यू कैसे करते हैं, तो उसके लिए आप ऊपर आई बटन मिल जाएगा आपको, उस पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम अपना देखने वाले हैं कि किस तरीके से हमें फ्रेश इंश्योरेंस करना है। तो दोस्तों, आप देखिए मेरे साथ, इधर इसमें पॉलिसी बाजार में हमें बहुत सारे इंश्योरेंस मिल जाते हैं, आपको पता ही है, लेकिन अब जिस चीज़ के लिए इस वीडियो पे आए हो, इस वीडियो में वही आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, हमें इधर मिल जाता है टू व्हीलर इंश्योरेंस, हमें क्लिक करना है टू व्हीलर इंश्योरेंस पे। टू व्हीलर इंश्योरेंस पर क्लिक करने के बाद ऊपर इसमें मिल जाएगा रिन्यू योर टू व्हीलर इंश्योरेंस इन 60 सेकेंड, ठीक है। अगर आप रिन्यू कर रहे हो तो इधर से आप इजीली कर सकते हो, और अगर आप इसमें नीचे मिल रहा है आपको डोंट हैव बाइक नंबर, अगर आपके पास बाइक नंबर नहीं है तो आगे प्रोसेस कर सकते हो, और अगर बाइक नहीं खरीदी है तो उसके लिए भी। तो अभी इन्होंने जहाँ दे रखा है रिन्यू योर टू व्हीलर इंश्योरेंस, तो अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर आपने पहले कभी पॉलिसी बाजार से इंश्योरेंस लिया है कभी भी अपनी लाइफ में, तो पॉलिसी बाजार क्या करता है, आपका एक अकाउंट क्रिएट कर देता है उसी मोबाइल नंबर और उसी ईमेल आईडी से जो आपने साइन अप किया के टाइम पे यूज़ किया होगा। तो ये आपकी डिटेल आपके अकाउंट में सेव कर देता है, उससे आपका ही फायदा है। उससे आपका ये फायदा है, अगर आप मान लीजिए आपने 2 साल तक किसी अलग कंपनी से पॉलिसी बाजार का मतलब अपना सॉरी इंश्योरेंस लिया, आपने अलग इंश्योरेंस ले लिया, आपने पॉलिसी बाजार से नहीं लिया, आपने थर्ड पार्टी से इंश्योरेंस ले लिया है, तो उस कंडीशन में भी आपको एक बेनिफिट ये मिल जाएगा कि आपने लास्ट इंश्योरेंस अपना पॉलिसी बाजार से लिया था, या सेकंड लास्ट आपने पॉलिसी बाजार से लिया था, या मतलब कभी भी एक बार आपने अपनी लाइफ में पॉलिसी बाजार से इंश्योरेंस लिया था। तो उससे आपको क्या फायदा मिलेगा कि आप जैसे ही अपनी गाड़ी का नंबर यहाँ एंटर करते हैं स्क्रीन पे, मिल जाता है कि आपने लास्ट अपनी जो प्रीवियस डिटेल फिल करी थी वो क्या डिटेल्स थी, यानी कि जैसे आपका नाम, आपका गांव का या आपके शहर का नाम, आपका मोहल्ला, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, और आपकी गाड़ी का इंजन नंबर, चेसिस नंबर, ये सब आपको मिल जाता है, ठीक है। तो पॉलिसी बाजार से ये आपको बहुत ज़्यादा फायदे मिल सकते हैं। तो मैं वैसे स्पॉन्सर्ड वीडियो तो नहीं है, लेकिन मैं पर्सनली पॉलिसी बाजार यूज़ करता हूँ, इसीलिए मैंने ये चीज़ आपके साथ शेयर की है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है वो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, और जैसा जैसा आपको लगता है आप अपने ओपिनियन नीचे शेयर कर सकते हैं, इंस्टा पे भी शेयर कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं सीधा पॉलिसी की ओर। इस तरीके से आपको मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ, आपको पॉलिसी बाजार के होम पेज पर आ जाने के बाद आपको इधर मिल जाता है टू व्हीलर इंश्योरेंस, ठीक है, आपको क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपको ऊपर अपने बाइक का नंबर एंटर करना है, अगर आपने अभी तक इंश्योरेंस नहीं लिया तो, ठीक है। इधर मिला बॉट ए न्यू बाइक, तो मैं अगर जैसे ऑलरेडी हम जिन कैंडिडेट का इंश्योरेंस करके आपको डेमो देने वाले हैं, तो उन कैंडिडेट ने ऑलरेडी पॉलिसी बाजार से ले रखा है, तो उसमें क्या होता है कि अगर हम अभी जैसे कि स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है कि अपना बाइक नंबर एंटर करें, तो उनके ऑलरेडी पुरानी डिटेल्स शो हो जाएगी, और क्या कहते हैं सारे इंश्योरेंस की लिस्ट आ जाएगी कि आप कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहते हो, तो उन्हें कुछ डिटेल फिल नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें फ्रेश करना है। तो नीचे मिल रहा है बॉट ए न्यू बाइक, हमें इस पर क्लिक कर देना है।
इतना करने के बाद आपको अपना आरटीओ सर्च करने के लिए बोलेगा कि आपका आरटीओ क्या है। आपका आरटीओ तो आपको ऑब्वियसली पता ही होगा, तो आपको अपना आरटीओ यहाँ चूज कर लेना है। आरटीओ चूज करने के बाद आपको अपनी आपकी बाइक किस कंपनी की है वो आपको अपनी बाइक चूज कर लेनी है। उसके बाद आप जैसे ही आप अपनी कंपनी चूज करते हो, आपको उस कंपनी के सभी मॉडल्स आपकी स्क्रीन पर शो हो जाते हैं, आप नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हो इजीली। ठीक है, तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, बहुत इजी है। आपको इसमें अपनी देखना है कि आपकी बाइक कौन सी है। जैसे हमने यहाँ हीरो चूज किया, तो हीरो की आपके पास कौन सी बाइक है, स्कूटी है, स्कूटर है, बाइक है, क्या है। तो अब हमारे पास स्प्लेंडर प्लस बाइक है हीरो से, तो हम स्प्लेंडर प्लस पे क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आ जाते हैं पांच। अब ये पांच ऑप्शन में हमसे पूछता है आपकी बाइक किस कैटेगरी से है, यानी कि इलेक्ट्रिक, स्टार, ड्रम, ब्रेक, कास्ट व्हील, 100cc। बिल्कुल हमारी यही है, और हमारी i3S 100cc नहीं है। तो जो हमारी कैटेगरी है वो आपको चूज खुद से करनी है। तो कैटेगरी आपको बहुत वाइजली चूज करनी है खुद से। ठीक है, तो हमने अपनी कैटेगरी चूज कर ली। इतना करने के बाद आपके सामने मैं मानता हूँ बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड से, कंपनीज से इंश्योरेंस की पॉलिसीज आपके स्क्रीन पर शो हो जाती हैं। तो अब आपको अपनी मर्जी से पॉलिसी चूज करनी है। मैं आपको एक चीज़ रेकमेंड करना चाहूँगा कि आप कभी भी पॉलिसी लेते हो उस कंपनी से पॉलिसी लीजिए जिसका ऑफिस आपके सबसे ज़्यादा पास हो, आपको जल्दी से क्लेम देते हो। तो उन चीज़ों पर मतलब ये चीज़ें आपके आपको बेसिक, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको देखनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैंने इसलिए आपको इस बारे में बोला है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो जो भी हमारे पास में ऑफिस पड़ता है हम वो, क्योंकि कुछ कंपनीज ऐसी हैं, कंपनीज बहुत अच्छी हैं लेकिन उनके ऑफिस हमारे एरिया में नहीं पड़ता। मान लीजिए हमारा एरिया मुरादाबाद पड़ता है, अब उस कंपनी, अब हमारे डिस्ट्रिक्ट में वो उस कंपनी का ऑफिस ही नहीं है, क्लेम करने का प्रोसेस बढ़ जाएगा। हो सकता है हमें दिल्ली नोएडा साइड भी जाना पड़े क्लेम करने के लिए, तो वो चीज़ों की हमें दिक्कत आ सकती है। तो वो चीज़ें हमें अवॉइड करनी है, वही चीज़ देखनी है जिसका आपके सबसे नज़दीक ऑफिस हो, ताकि आपको कभी क्लेम करना पड़े तो आप इजीली कर सको। ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद हम इधर, आपको बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे इंश्योरेंस मिल जाते हैं और बहुत ही सही रेटों में मिल जाते हैं। तो इतना करने के बाद मान लीजिए इन्होंने देखो दे रखा है नेशनल इंश्योरेंस, नीचे आपको एक सजेशन भी दे देते हैं, क्लेम्स सेटल 93%, नीचे ओरिएंटल का भी मिला 94%। तो ये भी आप खुद अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। हम इंडिया, हम नेशनल इंश्योरेंस से इंश्योरेंस ले लेते हैं, तो हम क्लिक करते हैं अमाउंट पे। अमाउंट पर क्लिक करने के बाद आपके पास आ जाएगा स्टेप नंबर वन। अब ऑनर की डिटेल हमें फिल करनी है, कि ऑनर की डिटेल मतलब उनका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बहुत बेसिक डिटेल है, ये आपको फिल करनी है। हम फिल कर लेते हैं। कैंडिडेट का मोबाइल नंबर फिल करेंगे, ईमेल आईडी स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ईमेल आईडी फिल करते हैं बहुत अच्छा रहेगा, पीडीएफ आपको सॉफ्ट कॉपी आपकी मेल पे मिल जाएगी। कम्युनिकेशन एड्रेस आपको अपना फिल कर देना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके अपना पिन एंटर कर देना है, जो भी आपका पिन हो। उसके बाद आपको नीचे डिटेल मिलती है, कंटिन्यू टू नॉमिनी डिटेल, आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सामने स्क्रीन पे डिटेल मिल जाएगी, नॉमिनी फुल नेम, आपको अपने नॉमिनी का फुल नेम एंटर कर देना है। रिलेशन ले लेनी है, जो भी रिलेशन हो आपको मिल जाएगा, और एज अपने और जो उनकी एज हो, मेरे कहना ये रहेगा कि यहाँ पर आप एज उनके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ही डालें, ताकि कभी क्लेम वगैरह में या किसी चीज़ में कोई इशू ना हो, क्योंकि ये छोटी सी चीज़ें बाद में बहुत परेशान करती हैं। कंटिन्यू टू व्हीकल डिटेल्स क्लिक करेंगे। अब आपके सामने आ गया है रजिस्ट्रेशन नंबर, के सामने आपको मिल जाएगा लिखा हुआ न्यू। न्यू ये आपको इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपकी गाड़ी नहीं है, तो आपको इधर इंजन नंबर अपना एंटर कर देना है, बहुत ध्यान से एंटर करना है। फिर आपको अपना चेसिस नंबर एंटर कर देना है। अभी आपको नीचे एक नया ऑप्शन मिल जाता है, इस जो व्हीकल फाइनेंस और ऑन लोन, अगर आपकी बाइक फाइनेंस पे है तो उसको आप यस करेंगे, नहीं तो आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे।
इतना करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाता है इधर से, एक ऐड करने के लिए सजेस्ट करता है, और ये मेरे हिसाब से आपको जरूर से लेना चाहिए। ये आपको मिलता है एक ऐड कंपलसरी पर्सनल एक्सीडेंटल कवर। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम लोग कुछ 400-500 रुपए के पीछे इसको छोड़ देते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आपको जरूर ये चीज परचेज करनी चाहिए। आप इतने पैसे खर्च कर लीजिए, यानी कि ये पॉलिसी हमारी 4,650 की है, हाँ, और इधर हमें 350 रुपए में पर्सनल एक्सीडेंटल कवर मिल रहा है, तो हमें जरूर लेना चाहिए, और इससे बहुत फायदे होते हैं, ये आप जानते ही होंगे। इतना करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन कर लेना है, डिटेल आप एक बार चेक करना चाहते हैं चेक कर सकते हैं। नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा पे सिक्योरली पे, पे सिक्योरली पे क्लिक करने के बाद आपको सारे ऑप्शंस मेथड्स मिल जाएंगे, आप किन तरीकों से पेमेंट करना चाहते हो, ठीक है, ये सारे आपको ऑप्शन मिल गए। ऊपर आपको टाइम मिल रहा है कि आप इतने टाइम के अंदर अंदर पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों पेमेंट मैं आपको करके नहीं दिखाने वाला हूँ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, वो आप जानते ही हैं। अब मैं आपको इतना बताना चाहूंगा दोस्तों कि जैसे ही आप इसका पेमेंट कर देंगे, आपको 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर सॉफ्ट कॉपी आपकी मेल पर मिल जाएगी, इसकी हार्ड कॉपी की आपकी कोई जरूरत नहीं होती। जैसे कि आपको पता ही होगा, एम परिवहन ऐप में ऑटोमेटिक ये अपडेट हो जाता है, सॉफ्ट कॉपी को आप प्रिंट आउट लेकर के कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो होप दोस्तों ये मैंने आपको बहुत ही डिटेल से समझाया है, अगर आपको ये चीज समझ आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही में बेल आइकन दबा के दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ऐसे वीडियोस अपने चैनल पर आती रहती हैं और एजुकेशनल वीडियोस भी हम डालते रहते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपने ये वीडियो को एंड तक देखा है तो प्लीज एक बार चैनल को चेकआउट जरूर करें, साथ ही शेयर कर देना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, आप सब अपना ध्यान।